गाइस तो कैसे हैं आप लोग, मैं अर्णव आ गए हैं एक और फेस टू फेस चैलेंज के साथ। गाइस रेस स्टार्ट हुई है बड़े तगड़े ट्रक के साथ और अर्णव को मैं मार मार के थक गई, वो फिर भी आगे निकल गई है। लेकिन उसको ये बहुत महंगा पड़ेगा कि कुट खा खा के भी आगे भाग रही है और मुसलसल उसे पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ। अर्णव का ट्रक घूम चुका है और बिल्कुल सही तरीके से घूमा है, उल्टा हो गया है, उसको वापस से रिस्पॉन करना पड़ेगा। अगर जो उससे सीधा नहीं हुआ है, जगह बहुत कम है, वो सीधा नहीं कर पाएगी। अगर मैं होती तो शायद कर लेती, लेकिन नुप पे इतना दम कहाँ है कि वो मेरा ट्रक उल्टा दे। तो गाइस फाइनली पहला ट्रक मैंने डिलीवर कर दिया है और नुबड़ी सामने से आ रही होगी और मेरे पास मजेदार फैंटम वेज नुबड़ी रिवर्स ला रही है। बाय गॉड मैंने उसका ट्रक गलती से फिर से उल्टा दिया है। शायद अब उसको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी और सीधा हो जाएगा। लगता तो नहीं है कि ट्रक सीधा होगा, लेकिन देखते हैं क्या सीन होने वाला है। मैं तो अपना मज़ेदार सा मस्त ट्रक डिलीवर करने के लिए भाग रही हूँ। अब नुबड़ी चाहे जो भी करती रहे, विल नुब आगे से फैंटम वेज ही लेकर आएगी और मुझे मारने के लिए सारी कोशिश सारे हथकंडे यूज़ कर लेगी। लेकिन मैं उसको फिर भी बचने की पूरी कोशिश करते हुए आगे जाकर दिखाऊंगी। और फाइनली मेरे पास है एक स्केलेटन ट्रक, ये तो बहुत हल्की ट्रक है, और फैंटम वेज इसको फटाफट से उल्टा देने वाला है। और नुब फैंटम वेज लेकर आ रही है, नुब इसी तरफ आ रही है, फैंटम वेज का साइन ही नजर आ रहा है और फैंटम वेज, ओह माय गॉड, नुबड़ी से हुआ ही नहीं कुछ और ये नुब के चक्कर में मैं यहाँ पहाड़ पर चढ़ गई। और ये जो जंप लगी हुई ना ऑटोमेटिक, ये हमें बहुत इरिटेट करने वाली है, और स्पेशली मुझे तो जब मैं आती हूँ ना, जब ये खुल जाता है और इसने अपना जो रंग है ना वो दिखाना शुरू कर दिया है। अभी मेरे सामने इसने मुश्किल खड़ी की और मैं फंस गई थी, लेकिन फिर भी बच गई। फाइनली मैं नुब से आगे हूँ। अब नुब को कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा अच्छा खेलने की, क्योंकि नुब अच्छे से खेलेगी तो नुब आगे जा पाएगी, वरना नुब पीछे रह जाएगी। और वो कोशिश कर रही है, गाइस आ रही है और अब वो स्केलेटन ट्रक ला रही है और क्या उछाला है जंप ने उसका ट्रक जैसे कि मेरा उछाला था। बाय गॉड नहीं गाइस, स्केलेटन ट्रक के अंदर ज़्यादा पावर है, मेरे इस प्रोटोकॉल ट्रक में इतनी पावर नहीं। और ये गाड़ियाँ कहाँ से आ रही है, किधर से आ रही है, कहाँ से रिस्पॉन हो रही है, किधर से निकल रही है, कहाँ से उग रही है, ये हो क्या रहा है, ये कौन सी गाड़ियाँ बीच में आ रही है। गाइस पब्लिक प्लेस तो मुझे नहीं लग रही है, ये एक गुफा टाइप लग रही है मुझे, छोटी सी जहाँ पर एक ट्रैक बनाई गई है जिसमें पब्लिक भी घुसी हुई है। मेंटल ट्रक। मैंने फटक से रिस्पॉन मारा है क्योंकि इसको टर्न करने में ना बड़ा टाइम लगता है और ये एक हैवी ट्रक है और थोड़ा सा पागल भी है, तो इसे मैं थोड़ा बहुत नफसियाती भी बोलती हूँ, तो इसे मेंटल हॉस्पिटल की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी इसको रेस के मैदान में दौड़ा दिया जाता है कि ये थोड़ा साइको है, क्या पता ये भी जितवा दे, इसीलिए इसको भी रेस के मैदान में आपको देखने को मिलेगा। और थैंक गॉड कि ये बंद और नुब आ रही थी, बाय गॉड नुब को एक चक्कर लगी है, नुब का प्रोटोकॉल ट्रक लुढ़क गया है, लेकिन वो पहुंच जाएगी क्योंकि ट्रक उसको टर्न कर सकती है, छोटा साइज ज़्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन अगर कोई बड़ा ट्रक होता है तो ये छोटी सी जगह पर टर्न करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। वेल मैं तो अपना चार्नो बुक बहुत ही प्यार के साथ लेकर आ गई और इसके साथ ज़्यादा पंगे नहीं करती हूँ मैं, ठीक है। फाइनली फिर से एक बार फैंटम वेज बार बार क्यों आता है आई डोंट नो, क्योंकि वैसे तो ये बड़ा कमाल का ट्रक है लेकिन ये बार बार आता है, और बग्गी भी काफ़ी बार आपके पास आती है, लेकिन यहाँ पर अभी तक मेरे पास बग्गी नहीं आई है और बग्गी होनी चाहिए थी। बग्गी एक बहुत मस्त गाड़ी है जिससे हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं, और बग्गी होती ना मैं नुब को पूरा उछाल देती और नुब बिल्कुल ऊपर वाली स्लॉट पे चली जाती और यहाँ नज़र भी नहीं आती। ओह गाइस गई, ओह माय गॉड, नुब चार नुबुक लेकर आ रही थी लेकिन वो प्यार से ले गई और मेरे ट्रक को ही नुकसान पहुँचाए। वैसे ना कभी मैंने इसका फैंटम वेज का आगे से नाक को टूटता हुआ नहीं देखा बाय चांस एक्सीडेंट में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं। एक ट्रक ऐसा भी है जिसके ऊपर झूमर लटका होता है, वो तक टूट जाता है, लेकिन इस फैंटम वेज की नाक नहीं टूटी है, बहुत मजबूती के साथ बनी हुई है, लग रहा तो यही है। फाइनली मैंने डिलीवर कर दिया है फैंटम वेज, मुझे लग नहीं रहा था कि मैं डिलीवर करने वाली हूँ, नुब से खतरनाक पंगा हुआ था। चार्नो बुक नुब बहुत अच्छा चलाती है, बहुत अच्छे से चलाते वो ले गई है। चार्नो बुक के मामले में ना मुझे थोड़ा बहुत गड़बड़ी लगती है कि मेरे साथ कोई बैड सीन होता है, रिगोर लेकर जाते सामने से नुब फैंटम वेज ला रही, मैंने पंगा ही नहीं लिया, मैंने अपनी गाड़ी साइड कर लिया है, क्योंकि नुब की इतनी मोटी नाक देखकर ना मुझे डर लग गया था।
कि ये क्या लेकर आ रही है। और जब भी नुब कोई भी बड़ी गाड़ी लाती है ना, तो मैं साइड पकड़ती हूँ और बस मौका देखती हूँ कि नुब किस तरफ से आ रही है। प्लेयर की ना आप चाल देखो कि वो आने कहाँ से वाला है पास, उसके बाद आप उसको आराम से मात दे सकते हो। तो मैंने नुब को हराने के लिए ना बहुत सारे पिंतरे में यूज़ करती हूँ, वरना नुबड़ी ना पूरी कोशिश करती हूँ मुझे मारने की, हर एक चीज़ करने की, बस यहीं से वो नुब कहलाती है। आई ड्रिगोर लेकर आई, उसने मुझे पंगा नहीं लिया। मुझे लगा ये वाली गाड़ी थोड़ी हल्की है ड्रिगोर के मामले में, क्योंकि ये फटाफट टर्न हो गई है, जबकि प्रेशर से ही दोनों आ रहे थे। मैं पीछे से प्रेशर से आ रही थी, वो भी प्रेशर। अब ये किसकी गाड़ी है, ये कहाँ से आ गई गाड़ी, भूतिया गाड़ी, मुझे तो भूत की गाड़ी लग रही है। लगता है भूत भी है यहाँ पर, कोई ज़मीन में से निकल रही है गाड़ी, कोई कहाँ से निकल रही है। बाय गॉड, ओ बाय गॉड गाइस, खतरनाक गाड़ी आ गई है। वेपनाइज, जल्दी से इसको लेकर जाते हैं। नुब तो अभी पीछे पीछे चल रही है हमसे, नुब की तो कोई टेंशन नहीं है, और नुब को हमने ना उठा कर पीछे पटक दिया है। अब उसके अंदर स्किल्स होनी चाहिए आगे आने की। वैसे रोड थोड़ी सी अजीब है, जैसे कि टूटी फूटी रोड होती है ना, वैसी फील करवा रही है। वैसे रोड टूटी फूटी नहीं है। हुई 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 हुई, हट जा यहाँ से। नुब को मैंने उछाल कर फेंका है आगे, फिर से फैंटम वेज आने वाला है। और फैंटम वेज फिर से एक कमाल गाड़ी है, और फैंटम वेज लगभग तीसरी या चौथी बार आ रहा है, जो कि काफ़ी मज़ेदार सीन हो गई। गाइस मेरा फैंटम वेज मैंने रिस्पॉन नहीं किया, सीधा उस तरफ मुड़ा है, जाते साथ ही जैसे ही चेंज हुआ है वैसे उस तरफ जा रहा था। मैंने जल्दी से पकड़ते हुए इसको टर्न किया, क्योंकि नुब से मैं आगे हूँ तो अब रिस्पॉन जल्दी मारने की कोई जल्दी नहीं है मुझे। हाँ, कोई गाड़ियाँ हैवी होती है ना, तो उसको टर्न करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, तो उसके लिए हमें रिस्पॉन मारना पड़ता है, क्योंकि नुब बहुत तेज़ तलवार है, जंगली बिल्लियों की तरह नोचने को करती है। तो इसीलिए नुब को हराने के लिए कभी कभार रिस्पॉन मारना पड़ता है। बट अभी तो नुब और मैं कहाँ, इतनी दूर दूर साथ साथ तो आ रहे जा रहे हैं, बट ठीक है। नुब सेकंड पोजीशन ला पाती है कि नहीं ला पाती है, ये भी एक देखने वाला सीन होगा। लेकिन नुब सेम टू सेम मेरी जैसी गाड़ी लेकर गई है, तो सिर्फ एक ही गाड़ी पीछे है, और ये आ गया है मेरे पास कमाल का मार्शल मॉन्स्टर ट्रक, और उसके साथ में हमें मिला है विनिंग फ्लैग। और जल्दी से लेकर जाते हैं इस मोटे ट्रक को, और जल्दी से अपनी विनिंग गाड़ी लेकर आते हैं, क्योंकि इसको डिलीवर करने के बाद एक और गाड़ी लेकर आनी है। लेकिन ये हमेशा हमारे स्वागत के लिए खड़ा रहता है। क्यों ले हुई 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 नुब फैंटम वेज लेकर जा रही है। नुब बिल्कुल भी मुझसे ज़्यादा पीछे नहीं है, सिर्फ एक गाड़ी पीछे है, और नुब को जल्दी जल्दी किसी भी तरीके से नुब को हराना है, तो फटाफट से इसको डिलीवर करते हैं। माय गॉड, ये क्या दे दिया, माय गॉड। नुब मार्शल मॉन्स्टर ट्रक लेकर आएगी, और ये वाला ट्रक, दोनों ट्रक आई थिंक जा तो नहीं सकते हैं, जगह नहीं है इतनी, क्योंकि इस ट्रक का जो मुंह है ना, वो बहुत बड़ा मुंह है, जैसे कि कोई क्या बोलते हैं, जो सबसे ज़्यादा बड़े जानवर होते हैं ना, वो वाला मुँह है, हाथी के जैसा मुँह है इससे ट्रक का। और ये कहाँ से गाड़ियाँ आ रही है, पब्लिक गाड़ियाँ कहाँ से, मुझे लग रहा है यहाँ पे गाइस कोई भूत शूट का चक्कर है, लाइक कोई भूत हो सकता है, और भूत या स्टोरी चल रही है, गाड़ियाँ खुद ही आ रही है, कहाँ से आ रही है नज़र भी नहीं आ रही है। तो भूत प्रेत का साया है इस ट्रैक के ऊपर, और नहीं आ गई नुबड़ी आ गई, तो अपना मार्शल मॉन्स्टर ट्रक ला रही थी और मुझे फिर गायब हो गई, रिस्पॉन मार दिया उसने। गाइस इतना डरती है ना कि रिस्पॉन मार के बैठ गई कि मैं उसे कुछ लूँ ना, उसको लगता है कि मैं उसका टाइम ज़ाया कर रही हूँ, और एक्चुअली मैं वही कर रही हूँ। और आई डोंट थिंक सो कि वो 30 सेकंड में ये ट्रक ला सकेगी, बहुत मुश्किल है, क्योंकि नहीं होगा, बहुत स्लो चलता है ये ट्रक। और यहाँ पे मैं नुब की चटनी बनाने में लगी पड़ी, कोशिश कर रही है कि मैं साइड से निकल जाऊँ, पर निकलने नहीं दूंगी मैं उसको, हर जगह से दबोच दूंगी, नोच लूंगी। सेकेंड पोजीशन लाने के लिए ना पूरा टास्क उसके पास है, और जीत सकती है वो, और जीत भी सकती है, ऐसा नहीं है, और हार भी सकती है, ऐसा भी हो सकता है। और मैं उसे बिल्कुल ऐसा मौका दूंगी नहीं। इधर छुड़ैल कहीं कि आगे भाग रही थी स्टार्टिंग में, जैसे ही रेस स्टार्ट हुई है मैं मारने की कोशिश कर रही हूँ, उसे रोकने की कोशिश कर रही हूँ, बट रोक ही नहीं रही है। ठीक है फिर, अच्छा कहीं यहाँ से ना वो भाग गई थी, रिस्पॉन करके फिर आई है, जब उसको पता है कि मैंने पंगे करने हैं, वो यहाँ से नहीं जा सकेगी, फिर भी रिस्पॉन मार मार के आ रही है। ओए ऊपर से गाड़ियाँ आ रही है गाइस, पता नहीं कहाँ से आ रही है, गाड़ी मुसलसल रिस्पॉन हो रही है यहाँ पर, कुछ गाड़ियाँ पूरे रोड के ऊपर फैली हुई हैं। अब नुब कैसे जाएगी, रिवर्स कर रही थी, बंदा निकला गाइस,
भाग गया और उसको जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है, गाड़ी से बंदा निकला है गाइस, बहुत बुरा सीन है यहाँ पर। पर बंदा आया कहाँ से समझ नहीं लग रही है, और नो फिर से गायब हो गई है रिस्पॉन मार के, और ये बंदा गया और अब मर गया है क्योंकि इसको जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। बट आया कहाँ से था, जहाँ से आया था वहीं से चला जाता, और ये नोप छुप गई है और अब मेरा उसको मारने का कोई चांस नहीं है। बेचारी छुपी पड़ी हुई है, अभी भी इतना जोश बाकी है कि तड़प रही है जाने के लिए, तड़प रही है कि मुझे जाने दो, मुझे भागी ट्रक लेके भागी भागी भागी। मैं देखना चाहती थी कि वो कितना फड़फड़ा रही है, जैसे कि कोई परिंदा फड़फड़ाता है ना गर्दन पकड़ने पर, सेम टू सेम वैसे ही फड़फड़ा रही थी, बहुत ही खतरनाक। देन फाइनली मैं जीत चुकी हूँ। आई डोंट थिंक सो वो 30 सेकंड के अंदर डिलीवर कर सकेगी दो गाड़ियों को, बट देखते हैं कितनी ताकत है इसके अंदर। और ऑलमोस्ट कर दिया है उसने, और 10 सेकंड है उसके पास, रिस्पॉन मारा है और कितने टाइम रह गया है वो भी देख लेते हैं। सिर्फ 1 सेकंड में और उसकी टाई टाई फिश हो गई है। तो गाइस नोब तो हार चुकी है, DNF हो गया उसका और मैं जीत चुकी हूँ। और आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, वीडियो को लाइक जरूर करना है, नोब नाराज हो गई है, मैं उसको मना कर आती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।